निर्माण विभाग में 1300 करोड़ की लागत से 70 सड़क योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें रांची शहर की भी 15 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं और इनमें से दो बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनका स्वीकृति जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग में करीब 13 साल पहले की 70 सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। इसमें 15 सड़कें रांची शहरी और ग्रामीण इलाकों की है, जिनमें दो बड़ी सड़क परियोजनाएं रामगढ़ के बरलंगा से पश्चिम बंगाल तक की सड़क को 176.70 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। गढ़वा के कठुआ मोड़ से रांका तक की सड़क 114.83 करोड़ से बनेगी। कुल मिलाकर 300 करोड़ की लागत से 70 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। RCD के क्षेत्र अधिकार में योजनाएं हैं, उस पर कुछ नई योजनाएं हैं जो पूरी तरह से मतलब इनको वाइडनिंग करना है, इस योजनाओं को चौड़ीकरण करना है या फिर उसको मतलब स्ट्रेंथनिंग करना है, और कुछ योजनाएं हैं जिस पे IRQP होता है, जिसमें हम लोग लेयर देते हैं और उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो उस प्रकार की योजनाएँ हैं। तो इस प्रकार की सभी बहुत सारी योजनाएँ जो है पूरे झारखंड क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों ने उसको लिया है, और रांची शहरी क्षेत्र में भी मुझे लगता है 150 करोड़ के आसपास की योजनाएं लगभग उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं रांची शहरी क्षेत्र और आसपास उस पर सैंक्शन की गई हैं। 370 सड़क पर चुनाव में 15 रांची ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। महत्वपूर्ण सड़कों में रांची मोरी पथ का मजबूतीकरण, कटहल मोड़ से अरगोड़ा चौक सड़क मजबूतीकरण, हजारीबाग रोड का मजबूतीकरण, सुजाता चौक से क्लब रोड, पटेल चौक, लाला लाजपत राय स्कूल, कटरू मोड़ पथ, सजना चौक से टाटी सिल्वे पथ, करम टोली से उर्मांझी पथ शामिल है। जल्द इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बरसात के कारण शुरू नहीं हो पा रहे थे और मुझे लगता है कि अब बरसात खत्म हो गई है और इसमें जल्द ही काम, सबके टेंडर हो चुके हैं, टेंडर फाइनल है लगभग, तो सबके काम तीव्र गति से स्टार्ट हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र की अंतर्गत भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भी हैं, तो कई स्कीम है जो मतलब एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस से भी कनेक्ट करती हैं, और कई हैं जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के जो इस प्रकार के एरिया थे उनको ओपन करती हैं वो लिस्ट। पथ निर्माण विभाग ने पहले ही बहुत सारी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का DPR मंजूरी के लिए केंद्र को भेज रखा है, जिनमें भारतमाला के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण सड़कें और कई स्टेट और नेशनल हाईवे शामिल है जिन पर अब काम शुरू होना है। न्यूज 11 भारत के कैमरा पर्सन कौशल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।